हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैसे पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल चला तो उसी के आगे फिर पुनः क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को कंटिन्यू रखते हैं। किसी न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा तो आपका वीमी विश्लेषण जो चैप्टर चल रहा था ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आई बात गई समझ में दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि जो प्रश्न है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सर्वप्रथम जैसा कि यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप + 3j कैप + k कैप, ओके, तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप है, तो वेक्टर गुणन फल, वेक्टर गुणन फल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। इतनी बात क्लियर दोस्तों। जब इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछें, क्या इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछें और प्रश्न में लास्ट में ये प्रोसेस कह दें, वेक्टर गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये मान पूछें, तो आप लोग निश्चित तौर पे ये समझ लीजिए कि इसका मान अव्यूह सारणी के माध्यम से क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। क्या अव्यूह सारणी के माध्यम से क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर यदि समझा जाए तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, वेक्टर गुणन फल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका अर्थ ही होता है दोस्तों कि इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे, सारणी में, अर्थात ये आई कैप जे कैप और के कैप। और इसके साथ अभी कुछ समय पहले मैंने पिछले क्लास में कुछ रोड में कुछ सूत्र लिखवाया था, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। जैसा कि यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड, और उसी के अकॉर्डिंग बी वाई और बी जेड, ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये जो प्रोसेस दिया गया, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर ए बराबर 2i कैप + 3j कैप + k कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप, तो यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया, अब यहाँ इसका मान यहाँ पर मत पुट करिएगा, इसलिए जब ये पुट करेंगे तो ये प्रोसेस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। यदि मान लीजिए कि आप पुट कर रहे हैं तो इसको हम लोग उस रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात ये मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये जो मान है ए एक्स का है और ये ए वाई का है और ये ए जेड का और ये बी एक्स का और बी वाई का और बी जेड का दोस्तों ये है। तो इसका मान सभी हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर ना दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर सारणी हम लोग रखेंगे, पहले क्या है आई है आई, फिर जे, फिर के, इसको हम लोग कलर इसका चेंज कर देते हैं, इसलिए मिक्स हो जाएगा इसी में। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, यही है। तो आप ये कह सकते हैं जो ये प्रोसेस दिया है ए एक्स का मान क्या दिया है 2 और ए वाई का मान क्या दिया है 3 और ए जेड का मान क्या दिया है 1 और इसी प्रकार बी एक्स का मान क्या दिया है 3 और बी वाई का मान 2 और बी यहाँ जेड रहेगा, यहाँ क्या रहेगा जेड रहेगा दोस्तों, यहाँ बी जेड का मान क्या है 4। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको जैसे कि यहीं पर ये प्रोसेस मैं अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ इसका सूत्र बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है, देखिएगा आप पहले आई को पकड़िए
या जे को पकड़िए या के को, लेकिन हम लोग सीरियल क्रम में चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा, आई मिलेगा। उल्टे क्रम में नहीं चलेंगे, वहाँ प्रोसेस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आई मिलेगा तो आई लिखिएगा, सूत्र बना रहे हैं देखिए, फिर ब्रेकर लगाइएगा और यहाँ आई पे आप खड़े हो जाइए। क्या आई पे यदि आप खड़े हो जाएंगे तो आपके सामने कौन कौन सी पंक्ति मिलेगी, कौन कौन सा पंक्ति या स्तंभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसी लेटी हुई रेखा क्या होगी, पंक्ति होगी, और खड़ी हुई रेखा क्या होगी, स्तंभ होगी। ओके, ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल ये प्रश्न है इसीलिए मैं प्रश्न को करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप खड़े होंगे तो इसके सामने क्या मिलेगा, ये पूरा मिलेगा और ये, अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप इसको दबा लीजिए और इसको भी दबा लीजिए, तो बचा क्या दोस्तों, ये तीनों प्रोसेस लिखे गए ना, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, देखिएगा पहले इसका मल्टीप्लाई पहले लिखा जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिएगा इसका पहले मल्टीप्लाई होगा, अर्थात ए वाई और बी जेड, फिर माइनस इसका, फिर बाद में, इतनी बात क्लियर, पहले इसको फिर इसको, ए जेड और बी वाई, इतनी बात क्लियर। अब इसको रफ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने खड़ा हुआ, मैं जब यहाँ पर खड़ा हुआ तो ये कॉलम और ये पंक्ति क्या हुआ, अब जे पर आते हैं क्या, माइनस यहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है माइनस, और ब्रैकेट में जब यहाँ खड़े हो गए तो ये बीच वाली, इसका मल्टीप्लाई इसमें ए एक्स और बी जेड, यहाँ पर खड़े हुए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, माइनस इसका गुणा इसमें, यानी कि बी एक्स और ए जेड, प्लस क्या, प्लस अब हम लोग किसको पकड़ेंगे, के को। अब यहीं पर यहाँ पर खड़े हो गए तो अर्थात इसको छिपा लीजिए और इसको छिपा लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि बी वाई और ए एक्स, माइनस अब इसका गुणा इसमें ए वाई और बी एक्स। अब देखिए ये मेरा सूत्र का क्या हुआ, निगमन हुआ, अर्थात ये मैंने बता दिया कि किस प्रकार का सूत्र निकला, कहाँ से निकला, ये मैंने बता दिया। तो आपको यहाँ पर खड़े होना है, तो यहाँ इसको आई को पकड़ लें तो आई लिखिए, क्या आई है, आई, यहाँ पर खड़े हुए तो ये छिप गया और ये छिप गया, तो इसका गुणा पहले चार तीन बारह, माइनस होता है सूत्र में, देखिए माइनस है, माइनस लिख दिए, इसका गुणा इसमें दो एक नम दो, इतनी बात क्लियर दोस्तों, माइनस है सूत्र में, माइनस लगा दिए, जे है जे, अब जे को पकड़ लें, जे वाला पैटर्न पूरा छिप गया और ये छिप गया, तो चार दुनी आठ, माइनस दो तीन इकन्नम तीन, इतनी बात क्लियर। अब के को पकड़ सकते हैं, के को जब पकड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ ये छिपेगा और ये दो दुनी चार, माइनस तीन त्रिक्का नौ, इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो इसी के आगे जो प्रोसेस निकलेगा तो इसी प्रकार होगा, देखिएगा यहाँ पर जो प्रोसेस किया जा रहा है, बारह में से दो गए दस, तो दस का गुणा आई में होगा तो आई कैप, आई कैप हुआ दोस्तों, माइनस है माइनस लिखिए, आठ में से तीन गया कितना बचेगा पाँच, पाँच गुणा जे में होगा तो फाइव जी, प्लस है प्लस। अब इसको आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस मेरा फाइव आ जाएगा, किस नौ में से चार जाएगा क्या पाँच ही आएगा, पाँच गुणा इसमें होगा तो, लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पाँच के कैप, इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछेंगे कि आपको वेक्टर गुणनफल का, वेक्टर गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करना, जो मैंने क्या किया आपको निकाल करके दिखा दिया, इतनी बात क्लियर दोस्तों। इसी पर हम लोग एक प्रश्न और इसी से संबंधित अध्ययन कर लेते हैं, जो आपको एकदम पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, इसको रख किया जाए दोस्तों। तो ये देख लीजिए आप, इसी प्रकार सूत्र का निर्माण किया जाता है दोस्तों, तो इसको रफ किया जाए, जैसा कि मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न कह दिया जाए, और इसके बाद जो प्रश्न करवाऊंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इसके बाद वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस थ्री के कैप तथा वेक्टर बी बराबर
टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेम करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग बनाएंगे क्या। वेक्टर ए बराबर आई होता है आई, आई के बाद क्या आता है जे, तो जे को हम लोग क्या मान लेंगे जीरो जे, फिर माइनस थ्री के। उसी प्रकार क्या हो जाएगा वेक्टर बी बराबर हो जाएगा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप। इतना हुआ। तो हमको क्या निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड सॉरी सानली, पहले आई होता है फिर जे होता है फिर क्या होता है के, ये होता है। फिर इसी मान का क्या करिए आप लोग रख दीजिए कि यहाँ पर पहले इसके गुणांक में क्या है वन, यहाँ वन रखा जाए, फिर क्या जीरो, फिर क्या माइनस थ्री, माइनस थ्री पूरा साथ में लिया जाएगी। ये ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ये टू है टू माइनस वन फाइव है फाइव। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब वही हम लोग आई को एक बार पकड़ेंगे तो आई के सामने की ये स्तंभ यानी कि छिप जाएगा, स्तंभ ये छिप जाएगा और ये पंक्ति छिप जाएगी। तो इसका गुणा इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो तीन एकन्न तीन माइनस पाँच रहम जीरो, फिर क्या माइनस जे होता है माइनस जे, फिर उसके बाद ये छिप गया, इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें पाँच एकन्न पाँच माइनस माइनस पहले तीन दूनी छः, यहाँ पर माइनस होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस के कैप। ओके तो अब हम लोग इसको पकड़ लें तो ये छिप गया और ये छिप गया, तो इसका गुणा इसमें माइनस टू सॉरी माइनस वन और इसका गुणा जीरो। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस, इसको जोड़ दीजिए क्या, जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस ग्यारह जे कैप। इतनी बात क्लियर। और इसका प्रोसेस इसके साथ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस के कैप वन के कैप। ये क्या हो गया मेरा, इसका आंसर क्या होगा प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार के आपसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपको ध्यानपूर्वक और एक लगन के साथ इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। इसलिए इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो आपसे अधिकतर स्कूलों में पूछे जाएंगे, स्कूल मैंने क्यों कहा बोर्ड क्यों नहीं कहा, क्योंकि पैटर्न जो है अलग हो गया। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें यदि हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए मुझे पता चलेगा तो मैं आपके जो समस्या रहेगी उसको क्या करूँगा दूर करूँगा। ओके तो इसी के आगे हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर दोस्तों, इसको रफ किया जाए। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दिखाइए कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी कैप बराबर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप का वेक्टर गुणन फल वेक्टर फिर पुनः वेक्टर कह रहा है वेक्टर सी बराबर आई कैप माइनस के कैप के समांतर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसलिए यही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो दिखाइए कि क्या, दिखाइए कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप का वेक्टर गुणनफल वेक्टर सी बराबर आई कैप माइनस के कैप के समांतर है कि नहीं, यही दिखाना है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, तो यहाँ पर पहले हम लोग वेक्टर ए बराबर मान लिख लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। और वेक्टर बी बराबर भी लिख लेते हैं दोस्तों आई कैप माइनस जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, ये मान दे दिया। इस पर हमको फोकस ज़्यादा नहीं करना, किस लिए, यही हमको सिद्ध कर देना है, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो मान है इसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले सारणी में तब्दील करेंगे, क्या पहले सारणी में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर गुणनफल, क्या वेक्टर गुणनफल, किसका गुणनफल, ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी के आधार पर ही हमेशा सॉल्व किया जाता है, वेक्टर गुणनफल। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको हम लोग किस में लिख रहे हैं, सारणी में। तो ये हो जाएगा पहले आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई का मान क्या है 1, जे का मान क्या है 1, के का मान क्या है 1। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए नीचे वाले पद बी का मान क्या दिया, 1 है 1, माइनस टू है माइनस टू, और के का मान क्या है 1। इतना मेरा मान क्या है मुझे मालूम हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा इसका वही प्रोसेस जो अभी तक करते आए, आई को पकड़िए और सभी क्या करिए छिपा दीजिए, ये छिप गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, पहले इसका गुणा 1 एकनम 1 माइनस 2 एकनम 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, माइनस होता है माइनस जे, इसको पकड़ लीजिए ये छिप गया और ये छिप गया, इसका गुणा इसमें 1 एकनम 1 माइनस 1 एकनम 1। इतनी बात क्लियर। आप के को पकड़ लीजिए, के है के, अब ये छिप गया और ये छिप गया, बचा क्या 2 एकनम 2 माइनस 2 एकनम 2 1 एकनम 1। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये हो जाए 3 आई कैप माइनस, ये कट गया, क्या हो जाएगा 0 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और लेकिन माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3। इसको इसको ले लेते हैं 3 आई कैप माइनस 3 के कैप, इसमें कॉमन कर दीजिए, क्या कॉमन क्या है 3 आई कैप माइनस 3 सॉरी के कैप। तो आप लोग जानते हैं कि इसके बराबर क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है, तो इसके बराबर हम लोग ये रख सकते हैं ना, तो ये रख दीजिए 3c, क्या 3c, अर्थात ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या हो गया मेरा मान आ गया। लेकिन यहाँ जो ये मान आया है इसको हम लोग थोड़ा एक लाइन लिखेंगे तभी ये क्लियर होगा, क्या लिखना है ये ध्यान दीजिएगा, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए व वेक्टर बी का वेक्टर गुणन फल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर आई कैप माइनस के कैप के समांतर है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये जब आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये एक लाइन लिखना है, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी का वेक्टर गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर आई माइनस वेक्टर के समांतर है। यानी कि ये मेरे कहने का अर्थ यहाँ है, जो ये आई कैप यहाँ सॉरी यहाँ जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये मेरा मान निकला है, और ये संकेत ये कह रहा है, ये संकेत ये कह रहा है कि ये इसके बराबर क्या है, वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, समांतर है।
वही समांतर के श्रेणी में रख दिया इसको। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाएंगे। और रही बात सारणी की, सारणी से संबंधित अभी बहुत ढेर सारे प्रश्न, अभी काफ़ी प्रश्न हैं जिसको हमको क्या करना है, अभी करवाना है। और अभी तो इम्पॉर्टेंट बिंदु तो बचे ही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले भी क्लासों में वो टॉपिक समाप्त हुई थी, पिछले नहीं उसके पीछे वाली क्लासों में, एक वीडियो एक क्लास को छोड़ करके उसके पीछे वाली जो क्लास है उसमें आप लोग पढ़े थे प्रक्षेप पथ, और प्रक्षेप पथ के अकॉर्डिंग 3-4 बिंदु थे, उस पर मैंने कुछ सूत्र का निगमन करवाया था, और उसी सूत्र पर अभी प्रश्न करना बहुत ही अधिक बाकी है, और सारणी से संबंधित भी अभी बहुत काफ़ी प्रश्न बाकी हैं। तो ये प्रश्न जो है, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग विस्तार रूप से पढ़िएगा, और कहीं भी किसी प्रकार के इससे संबंधित प्रश्न यदि आपको मिलता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा और आपके प्रश्नों को आंसर क्या करूंगा, दूंगा। ये आप लोग विशेष रूप से फोकस करिएगा, आप लोग किसी प्रकार की कोई भी शंका मत उत्पन्न करिएगा कि यदि मैं कमेंट कर दिया तो सर मेरे सवालों को जवाब देंगे या नहीं। तो मैं ये जाहिर सी बात ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, भले ही लेट हो जाए लेकिन आपको प्रश्नों का क्या होगा, उत्तर मिलेगा। तो सभी के प्रश्न जो भी हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, यदि कमेंट के ज़रिए हो सकता है तो मैं आपके प्रश्नों का क्या कर दूंगा, उत्तर दे दूंगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन क्लासेज जब स्टार्ट करूंगा तो वहां पर आप लोग सभी अपने प्रश्नों को क्या करिएगा, रखिएगा, किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत ना उत्पन्न होने दीजिएगा। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।